सो iOS 17 आया था काफी सारे नए फीचर्स के साथ, मतलब नेम ड्रॉप ले लो, एयर ड्रॉप ले लो, वॉलपेपर में चेंजेस, इसके साथ कॉन्टेक्ट पोस्टर्स, ऐसे आपको बड़े बड़े नए नए फीचर्स मिल जाते थे। लेकिन काफी सारे यूजर्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि iOS 17 पे अपडेट करते ही iPhone 13 और iPhone 14 स्पेशली काफी ज्यादा हीट कर रहे हैं, बैटरी ड्रेन हो रही है, बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो रही है। और पहली बार ऐसा हुआ था कि एप्पल ने खुद भी एडमिट किया था। और iOS 17.0.3 एक अपडेट आया था जिसके अंदर उन्होंने माना था कि फोन वार्म हो रहे थे और वो इशू फिक्स कर दिया। और काफी हद तक iPhone 15 सीरीज के अंदर ये इशू फिक्स हुआ भी है, लेकिन iPhone 13 और iPhone 14 के अभी भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि फोन काफी ज्यादा हीट हो रहा है और बैटरी काफी ज्यादा ड्रेन हो रही है। और कमेंट्स की अगर मैं बात ना करूं तो मैंने खुद भी फील किया है, iPhone 14 के अंदर नॉर्मल YouTube पे वीडियोस देखने में ही काफी ज्यादा वो हीट हो रहा है। मतलब नया iOS आता लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पुराने बग्स वगैरह फिक्स हो जाएंगे, नए फीचर्स आएंगे तो उससे और भी ज्यादा फोन इंप्रूव हो जाएगा, बट यहाँ पे चीजों में काफी ज्यादा कमियां नजर आ रही है। तो एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है और क्या आपको iOS 17 के ऊपर अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी सेल में काफी सारे लोगों ने iPhone 13, 14 परचेज किया और iOS 16.6 के ऊपर उनको ये फोन रिसीव हुए होंगे, तो ये भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या अपडेट करें या ना करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी iOS 17 पे अपडेट कर लिया है तो क्या होगा फ्यूचर में, तो अब सोल्यूशन क्या है इन चीजों का। मतलब चार्जिंग लगाने में तो हीट होते ही है, नॉर्मल डे टू डे यूजेज के अंदर भी इतना ज्यादा हीट हो रहा है तो ऐसा कैसे चलेगा। तो देखो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है और ये कब फिक्स होगा। हर साल एक नया iOS आता है, लास्ट ईयर भी iOS 16 आया था, उसके शुरू में आते ही काफी सारे बैटरी इशू आ रहे थे, काफी जल्दी बैटरी ड्रेन हो रही थी, इसके साथ साथ फोन भी हल्का हीट हो रहा था, बट इतना हीट नहीं हो रहा था इतना iOS 17 आने के बाद हीट हो रहा है, बट हाँ थोड़ा बहुत हीट हो रहा था, बैटरी से ज्यादा इशू आ रहे थे, बैटरी ड्रेन तो हो ही रही है, लेकिन कुछ कुछ यूजर्स को कैमरा के अंदर भी डाउनग्रेड फील हो रहा है। मतलब वो कह रहे हैं पहले फोटोज ज्यादा बेटर आती थी बट अब उतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं नजर आ रही फोटोज के अंदर, स्पेशली जूम करने पर थोड़ी सी डिसऑर्डर्ड फोटोज आ रही है। अब मुझे पर्सनली iPhone 13 iPhone 14 दोनों से ही कैमरा से रिलेटेड कोई भी ऐसा इशू फेस नहीं हुआ, परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी कोई भी इशू फेस नहीं हुआ, दोनों ही फोन इक्वली फास्ट है, मैंने गेमिंग भी करके देखी है, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग भी करी है, कोई लैग्स वगैरह मुझे नहीं नजर आए और स्पीड भी यहाँ पे काफी ज्यादा सही नजर आ रही है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी एक नया iOS आता है तो उसके साथ साथ फोन को कॉप अप होने में, ऑप्टिमाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है, और अभी स्टिल iOS 17 इनिशियल फेज के अंदर है, उसको पब्लिकली अवेलेबल हुए भी मुश्किल से एक महीना हुआ है और सारे डिवाइस के साथ कंपेटेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, किसी ना किसी डिवाइस के ना कोई बग्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर iPhone 10s सीरीज से लेके iPhone 15 सीरीज तक सब में ही iOS 17 का अपडेट आया है, अलग अलग हर किसी डिवाइस के ना कोई इशू आते रहेंगे, धीरे धीरे उसकी टेस्टिंग होती रहेगी, उसके बाद iOS 17 के अंदर नए नए अपडेट्स आएंगे जो कि वो इश्यूज को फिक्स करते रहेंगे। पर्सनली बोलूं तो जितने भी पुराने फोन है लगभग iPhone 10R iPhone 11 तो ये इतने ज्यादा हीट होते हुए नहीं नजर आ रहे, हाँ बैटरी ज्यादा ड्रेन जरूर हो रही है उन फोन्स के ऊपर और परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी डाउनग्रेड नहीं हुआ, परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा सही है, बैटरी लेकिन थोड़ी सी ज्यादा ड्रेन हो रही है, लेकिन स्पेशली iPhone 13 और iPhone 14 सीरीज के अंदर और iPhone 14 सीरीज में भी ज्यादा ऐसा हुआ है जो कि मैंने हीटिंग इशू फेस करी है, बैटरी ड्रेन लगातार हो रही है। अब काफी लोग ऐसा भी कहते हैं कि नया सॉफ्टवेयर लाके कंपनीज जो होती हैं वो अपने पुराने फोन्स को इंटेंशनली स्लो करती है, उनकी बैटरी वगैरह ज्यादा ड्रेन करवाती है, ये सच भी हो सकता है और काफी सारे ब्रांड्स ऐसा करते भी है, लेकिन एक सच ये भी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया iPhone 10s सीरीज से यहां पर iOS 17 मिलना शुरू हो रहा है, तो सोचो उस टाइम की टेक्नोलॉजी और iPhone 15 की टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा फर्क होगा, और iOS 17 सबके ऊपर ही सेम दिया जा रहा है, तो कितनी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि पुराने iPhones जो होते हैं वो नए iOS के साथ कंपेटेबल नहीं होते, जिस वजह से कभी कभी नए सॉफ्टवेयर यहाँ पे कैमरा के अंदर बैटरी के अंदर स्पेशली इश्यूज क्रिएट कर देते हैं। iOS 15 के अंदर भी बैटरी ड्रेन के इशू आए थे, iOS 16 के अंदर काफी ज्यादा बैटरी ड्रेन के इशू आए थे, और इस साल iOS 17 के साथ जैसे कि मैंने पहले भी बताया बैटरी ड्रेन और हीटिंग इशू काफी ज्यादा आ रहे हैं, और धीरे धीरे एप्पल इनको समझेगा और iOS 17.1 आने तक ये सारे ही इशू ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएंगे। और रही बात उन लोगों की जो लोग अभी भी iOS 16.6 या फिर 16.7 पे रन कर रहे हैं अपने iPhone 13, 14 या फिर किसी और भी iPhone को, तो क्या उनको सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं, तो देखो अगर तो आपके iPhone परफेक्टली रन कर रहे हैं, आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही उन फोन के साथ, तो आपको अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए और किसी स्टेबल वर्जन को अपडेट करना चाहिए। वैसे iOS 17.1 ज्यादा स्टेबल वर्जन होगा, जैसा कि लास्ट ईयर भी हुआ था iOS 16.1 ज्यादा स्टेबल हुआ था और बैटरी के इश्यूज वहां पे फिक्स हो गए थे ऑलमोस्ट, ऐसा ही इस बार भी हो सकता है। वैसे आप कमेंट करके जरूर बताना कि कौन से आईफोन को अभी यूज कर रहे हो और क्या क्या उसके अंदर दिक्कतें फेस हो रही है, बैटरी ड्रेन, हीटिंग या फिर कैमरा से रिलेटेड भी कोई दिक्कत आई है तो बताना, और इसके साथ साथ बैटरी हेल्थ के अंदर क्या चेंज आपको देखने को मिला जब आपने iOS 17 के ऊपर अपडेट किया है, ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, अगर ज्यादा इशू रेज होगा तो एप्पल जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेगा। वैसे तो मैं हीटिंग इशू और बैटरी हेल्थ को कैसे मेंटेन करने दोनों के ऊपर ही डिटेल
में वीडियोस बना चुका हूं, लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, इन वीडियोस को आप देख सकते हो। कुछ मैंने सेटिंग्स वगैरह बताई है जिससे आपकी बैटरी कम ड्रेन होगी और हीटिंग भी कम होगी। काफी जल्दी यहाँ पे बैटरी सेविंग टिप्स भी लेके आने वाला हूं जिससे आपको और भी ज्यादा मदद मिलेगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो जिससे वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो मेन रीजन बैटरी ड्रेन और हीटिंग इशू का iOS 17 ही है। और एक चीज और थी, iOS बीटा वर्जन को डाउनलोड मत किया करो, उससे भी यहाँ पे फोन कभी कभार डैमेज हो जाते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगला सॉफ्टवेयर उस पुरानी चीज को ठीक नहीं कर पाता, कुछ बग्स आ जाते हैं फोन के अंदर परमानेंटली। इससे जब भी पब्लिक स्टेबल वर्जन आए उन्हीं iOS को यूज किया करो। कोई भी टेस्टिंग वगैरह करनी होगी उसके लिए आप डेवलपर्स के ऊपर काम छोड़ सकते हो। सो नो डाउट iOS 17 के अंदर काफी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स आए हैं जिनकी जरूरत भी थी, लेकिन अगर ये वाले इश्यूज फिक्स हो जाते हैं तो और भी ज्यादा मजा आएगा फोन को यूज करने का। बाकी शेयर कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने एक्सपीरियंस iOS 17 के साथ कि कैसा जा रहा है। हो सकता है काफी सारे लोग ऐसे भी हो जिनको कोई भी इशू फेस ना हुआ हो, क्योंकि पर्सनली iPhone 15 के अंदर मुझे अब हीटिंग इशू फेस नहीं हो रहा जब से iOS 17.0.3 आया है, लेकिन iPhone 13 और 14 के अंदर स्टिल ये इश्यूज नजर आ रहे हैं। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, और कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। वीडियो फिर मिले तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।